हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का वॉल्यूम बढ़ेगा और कन्वेंशनल जो आईसी इंजन्स के जो व्हीकल्स हैं उनका वॉल्यूम कम होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक पार्ट्स और मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इतने सारे सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पावर सप्लाई है वो कन्वेंशनल इंजन से बिल्कुल डिफरेंस है। आईसी इंजन में यानी कन्वेंशनल इंजन जो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो व्हीकल्स हैं उसकी जो पावर सप्लाई होती है वो मेन जो सोर्स होता है वो उनका आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबसन इंजन होता है, वहां से पावर सोर्स वो हमारा होता है और वहीं से पावर का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में जो मेजर कॉम्पोनेंट में सबसे जो पावर सोर्स जो हमारा होता है वो होता है बैटरी पैकअप। बैटरी पैक जो होता है वो होता है मेन सोर्स ऑफ पावर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और वो जो होता है हमारा दोस्तों, वो बैटरी जो होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और किस टाइप के करंट होते हैं उसमें, तो डीसी करंट में होते हैं। तो जो बैटरी में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है किस फॉर्म में होते हैं, तो डीसी फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम बात करें पावर सोर्स की इलेक्ट्रिकल व्हीकल के केस में, तो वो हमारा बैटरी पैकअप है। और बैटरी पैक जो होता है वो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होते हैं किस फॉर्म में, तो डीसी फॉर्म में। दूसरा जो इसका मेजर कॉम्पोनेंट है दोस्तों वो है पावर इन्वर्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैटरी है वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो स्टार्ट होना शुरू होता है तो डीसी पावर को, डीसी करंट को हम तो यूज नहीं कर सकते, तो उसको हमें क्या करना होगा, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना होगा फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। तो जो पावर इन्वर्टर है दोस्तों, जो दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, पावर इन्वर्टर क्या करता है, पावर इन्वर्टर आपका डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। और वाइस वर्सा यानी ठीक इसके उल्टा, जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं और रीजनरेटिव यानी बैटरी जब रिचार्ज होने के कंडीशन में आता है दोस्तों, तो एसी करंट को डीसी में भी कन्वर्ट करते हुए बैटरी को भी रिचार्ज करता है। यानी ये बाई डायरेक्शनल वर्क करता है जो पावर इन्वर्टर होता है। जब पावर का फ्लो बैटरी से मोटर की तरफ होता है तो उसमें आपको डीसी टू एसी कन्वर्ट होता है, और रीजनरेटिव के केस में एसी टू डीसी टू रिचार्ज द बैटरी। तो दूसरा जो मेजर कंपोनेंट था हमारा दोस्तों वो तो पावर इन्वर्टर था। तीसरा अगर हम बात करें जो मेजर कंपोनेंट है वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर का रोल दोस्तों बहुत ज्यादा होता है और काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कि कंट्रोलर ही क्या करता है, रेगुलेट्स करता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई के केस में। बैटरी और बैटरी से जो पावर का जो ट्रांसमिशन होता है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है बैटरी टू इन्वर्टर, इन्वर्टर पे आके एसी टू डीसी टू एसी में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद कंट्रोलर का काम क्या होता है कि जो ड्राइवर ने पेडल लगाया हुआ है, इनकी जो मैकेनिज्म इस तरीके से होती है कि जब पेडल प्रेस करते हैं ये, तो उस प्रेशर के अमाउंट पे ये कंट्रोलर सेंस करता है कि कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है मोटर को, और उसी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मोटर को ट्रांसमिट करती है। यानी दोस्तों सिंपल सी हम बात करें कंट्रोलर के को लेकर के, तो कंट्रोलर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैटरी टू इन्वर्टर एंड देन इन्वर्टर टू मोटर। तो तीन मेजर कंपोनेंट हो गए हमारे। चौथा जो हमारा दोस्तों मेजर कंपोनेंट है वो है हमारा मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करें। तो जो पावर जो हम जो रिक्वायर्ड अमाउंट में कंट्रोलर जो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो ट्रांसमिट कर रहा है वो मोटर को जा रहा है, मोटर रिसीव कर रहा है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन्वर्टर से, बैटरी के, बैटरी से, और उस एनर्जी को जब वो रोटेट होना शुरू हो रहा है मोटर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में और अपना ट्रांसमिशन व्हीकल का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है दोस्तों, अगर चार मेजर कंपोनेंट आपने पकड़ लिया तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की वर्किंग समझ सकते हो। सिंपल सी बात आता है, बैटरी, बैटरी सोर्स है हमारा, बैटरी से आपका डीसी करंट आया,
डीसी करंट इन्वर्टर के पास आया, इन्वर्टर ने क्या किया उसको डीसी टू एसी में कन्वर्ट किया, वहां से फिर कंट्रोलर ने क्या किया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट राइट, वो क्या किया ट्रांसमिट किया आपको इलेक्ट्रिक मोटर को, और इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेट होना चालू हुआ और आपका जो व्हीकल है मूव होना चालू हुआ क्योंकि अप्लायंसेस अटैच होते हैं व्हील के साथ। इसके अलावा एक और मेजर कंपोनेंट है दोस्तों डीसी डीसी कन्वर्टर। अब बात करें कि एसी डीसी के लिए इन्वर्टर है तो डीसी डीसी कन्वर्टर की क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, डीसी डीसी कन्वर्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका कि एक तो एक पावर सोर्स का तो मेन जो बैटरी बैकअप है हमारा उसका मेन सोर्स क्या हुआ व्हीकल को मूव करना। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें जो एसेसरीज है हमारे लाइटिंग सिस्टम हो गए पावर विंडो हो गए इन सबको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती होगी और होती है कन्वेंशनल इंजन में भी होती है और उसके लिए हमारे पास अलग से बैटरी होता है छोटा सा 12 वोल्ट का बैटरी होता है। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए उस बैटरी को जो बैटरी बैकअप से जो हाई अमाउंट में वोल्टेज है उसको लो अमाउंट में वोल्टेज में 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके सप्लाई करने के लिए ताकि जो एक्सेसरीज हैं वो चार्ज हो सके वो रनिंग कंडीशन भी यूटिलाइज किए कर सके। तो जो डीसी डीसी कन्वर्टर का काम क्या है दोस्तों हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रखना क्योंकि ताकि एक्सेसरीज को हम यूज कर सके। दोस्तों आज तक का जो वीडियो था इसी टॉपिक के ऊपर था मेजर कंपोनेंट्स है। अगले वीडियो में मैं आऊंगा आपके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्या फिजिबिलिटीज है मार्केट में क्या सिनेरियो है और उससे क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है और कैसे फंक्शनली वो वर्क करती है कितने टाइप से चार्जिंग स्टेशन होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, अपना कमेंट करके फीडबैक जरूर देना दोस्तों, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।